नमस्कार दोस्तों, कास्ट रिजर्वेशन पर जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या हिस्ट्री रही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, कैसे थ्रू आउट द सेंचुरीज कास्ट सिस्टम हमारी इंडियन सोसाइटी का पार्ट रहा है। देश से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए सरकार ने आजादी के बाद कास्ट रिजर्वेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी और ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। लोग इस इशू पर डिबेट तो बहुत करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों ने जवाब ढूंढने की कोशिश करी है कि क्या कास्ट रिजर्वेशन एक्चुअली में इफेक्टिव रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों की जिंदगी बदलने में, इंप्रूव करने में और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में, अगर हाँ तो किस एक्सटेंट तक। आज के इस वीडियो में मोहक और मैं इन्हीं सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। हम रिसर्च पेपर्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि एमिनेंट स्कॉलर्स के द्वारा लिखे गए हैं और स्पेसिफिकली हम रिजर्वेशंस के इंपैक्ट को देखेंगे तीन एरियाज में, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स और तीसरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आउटपुट्स वर्सेस आउटकम्स। कास्ट रिजर्वेशन के इंपैक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाना चाहूंगा। क्या डिफरेंस है आउटपुट और आउटकम में, यह आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप वीडियो का आगे का कंटेंट समझ सकें। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे से ही लगते हैं, सिमिलर से लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। स्वच्छ भारत अभियान का एग्जाम्पल ले लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान का टारगेट आउटकम क्या था, स्कीम एक्चुअली में क्या अचीव करना चाह रही थी? भारत को स्वच्छ बनाना, देश को साफ करना, देश में सैनिटेशन बढ़ाना और जो गंदगी की वजह से लोगों को डिजीजेस होते हैं उसकी संख्या कम करना। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान ये आउटकम अचीव कैसे करेगा? आउटपुट्स के थ्रू। स्वच्छ भारत अभियान का आउटपुट था टॉयलेट्स बनाना। आउटपुट्स हमें बताते हैं दोस्तों कि एक पॉलिसी कितनी अच्छी इंप्लीमेंट हुई है और दूसरी तरफ आउटकम्स हमें बताते हैं कि उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से कितना इंपैक्ट पहुंचा है। सरकारों के लिए आउटपुट्स के नाम पर वोट मांगना बहुत आसान काम है, इसलिए सरकारें आउटपुट्स पर ही फोकस करना चाहती हैं कि ये देखो हमने कितने टॉयलेट्स बना लिए, ये देखो हमने कितनी फ्री साइकिलें बांट दी लड़कियों को। लेकिन इन रियलिटी अगर हम देश को सही में डेवलप करना चाहते हैं तो हमें आउटकम्स पर फोकस करना चाहिए। क्या टॉयलेट्स बनाने से देश एक्चुअली में और ज्यादा साफ हो पाया? क्या देश में गंदगी एक्चुअली में कम हो पाई? क्या लड़कियों को साइकिलें बांटने से लड़कियां ज्यादा एजुकेटेड बन गई? ऐसे ही दोस्तों जब हम कास्ट रिजर्वेशन के इंपैक्ट की बात करेंगे इस वीडियो में तो पहले हम आउटपुट को देखेंगे कि क्या कास्ट रिजर्वेशन से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हुआ है लोअर कास्ट का कॉलेजेस में, जो कि एक आउटपुट है, और उसके बाद हम आउटकम को देखेंगे, क्या लोअर कास्ट लोगों को बेटर नौकरियां मिल पाई, उनकी जिंदगी बेटर हो पाई, उन्हें ज्यादा इनकम मिल पाया और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या सोसाइटी में कम हो पाया। अब सबसे पहले हायर एजुकेशन में आउटपुट्स की बात करते हैं, यानी कि क्या रिजर्वेशन से मार्जिनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 ने हमारी सरकार को पावर दी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सीट्स रिजर्व करने के लिए। पॉपुलेशन शेयर्स के हिसाब से करीब 22.5% सीट्स एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व्ड है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या रिजर्वेशन की वजह से एससीज और एसटीज की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है? हाँ, वो बड़ी है। 1970 से 1990s तक ये रिप्रेजेंटेशन दोनों ही ग्रुप्स के लिए बड़ी है और लेटेस्ट हायर एजुकेशन सर्वे के हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन और भी बड़ी है। पर क्या हम गारंटी से कह सकते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से ही ये रिप्रेजेंटेशन बड़ी है? हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में बहुत अच्छी रही है इसलिए एससीज और एसटीज की ज्यादा अपलिफ्टमेंट हुई है और इसी वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, ना कि रिजर्वेशन से। हम चाहे कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं पर जैसे एक रिसर्चर ने बताया, हम गारंटी से नहीं कह सकते कि रिजर्वेशन ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है। इस इंक्रीज के बावजूद हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि स्पेशली एसटीज का जो रिप्रेजेंटेशन शेयर है वो अभी भी उनकी सीट रिजर्वेशन नंबर से कम है। रिजर्वेशन का एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म है क्रीमी लेयर का। इस थ्योरी के हिसाब से उन एससीज या एसटी लोगों को जिनको रिजर्वेशन मिलती है वो एक्चुअली कोई गरीब खानदान से नहीं है बल्कि उल्टा अमीर खानदान से है और उनकी रिजर्वेशन की वजह से जो ज्यादा गरीब जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको सीट्स नहीं मिलती। इसके बारे में भी रिसर्चर्स ने बात करी है और उन्होंने ये देखा कि जो एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन मिलती है वो अपने ग्रुप में जरूर ज्यादा बेहतर होते हैं पर ऐसा नहीं है कि उनकी सिचुएशन जनरल कैटेगरी के लोग से ज्यादा बेटर है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है एजुकेशन में रिजर्वेशन के खिलाफ वो ये है कि रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए जो स्कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। इससे ये तो हो सकता है कि उनको एक सीट मिल जाएगी पर कॉलेज में घुसने के बाद वो स्ट्रगल करेंगे और वो सीट वेस्ट हो जाएगी। पर एक 215 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिसर्च की गई और रिसर्चर ने ये देखा कि इसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है कि रिजर्व स्टूडेंट्स सिलेबस से इतना कोप अप नहीं कर पाते।
अब बात करते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। ये जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजर्वेशन से एससीज एसटीज या फिर दूसरे मार्जिनल ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में या नहीं। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से एससीज और एसटीज की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन जरूर बढ़ी है, पर जब हम इस डेटा को और बारीकी से देखेंगे और गवर्नमेंट पोजीशंस को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करेंगे, हम ये देखेंगे कि एससीज और एसटीज की बहुत रिप्रेजेंटेशन जरूर है, पर वो रिप्रेजेंटेशन मोस्टली लोअर पोजीशंस में, जैसे बस ग्रुप सी और ग्रुप डी में ही उनकी रिप्रेजेंटेशन उनके रिजर्वेशन कोटा के पास है। और एससीज की ग्रुप डी पोजीशंस में इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इसलिए है क्योंकि उनमें से कई लोग सफाई कर्मचारी हैं। इनफैक्ट करीब 40% सफाई कर्मचारी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। सरकारी जॉब में रिजर्वेशन के खिलाफ भी एक कॉमन क्रिटिसिज्म है क्रीमी लेयर का, पर एक रिसर्चर ने इसके बारे में जांच करी और उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिला इस क्रीमी लेयर थ्योरी का। एक और आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ वो ये है कि जब मार्जिनल ग्रुप्स के लोग जब सरकार में आ जाएंगे तो सरकार की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, पर रिसर्चर्स ने इसके बारे में भी कोई भी एविडेंस नहीं पाया। दो रिसर्चर्स ने इसको जांचने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी करी। उन्होंने 1980 से 2002 तक का इंडियन रेलवेज का डेटा लिया और 15 लाख रेलवे एम्प्लॉयज की जाँच करी, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि क्या रिजर्वेशन की वजह से जो इंडियन रेलवेज की प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई है। पर एनालिसिस करके उनको कोई भी एविडेंस नहीं दिखा कि रिजर्व्ड एम्प्लॉयज की वजह से रेलवे की एफिशिएंसी कम हो रही है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो उनको ये देखने को मिला कि रिजर्व्ड एम्प्लॉयज की वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई। अब रिजर्वेशन की वजह से डिसएडवांटेज ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन जरूर बढ़ी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, पर उसका इम्पैक्ट क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में ये जांचने की कोशिश करते हैं। रिसर्च के हिसाब से ओवरऑल बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है उनकी ज़िंदगी में, पर अभी भी बहुत ज़्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, यानी कि इम्प्रूव होने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना अभी भी। जैसे एक रिसर्च ने दिखाया कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के बाद एससीज और एसटीज की सैलरीड जॉब में रिप्रेजेंटेशन 5% से बढ़ गई। एक दूसरी स्टडी ने दिखाया कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की वजह से ओबीसी स्टूडेंट्स का हौसला और बढ़ गया और वो और पढ़ने लग गए। रिजर्वेशन की वजह से ऑन एवरेज एक स्टूडेंट 0.8 साल और पढ़ने लग गया। अगर हम पॉलिटिकल सीट्स में रिजर्वेशन की बात करें तो उसका कुछ मिक्स इम्पैक्ट रहा है। जैसे एक स्टडी के हिसाब से ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन की वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स में गरीबी घटी है, पर ऐसा कुछ इम्पैक्ट उनको शेड्यूल्ड कास्ट में देखने को नहीं मिला। पर एक दूसरे पेपर ने दिखाया कि हमारी पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन की वजह से एससीज और एसटीज को ना ही ज्यादा जॉब्स मिली, पर गवर्नमेंट स्कीम्स भी उनको ज्यादा टारगेट करने लग गई। एक और स्टडी ने पंचायत इलेक्शंस में कोटास के इम्पैक्ट को जांच करने की कोशिश करी और उन्होंने ये देखा कि इन कोटास से जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं उनको मनरेगा स्कीम से ज्यादा मदद मिलती है और उनकी रोड्स, पानी या फिर एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट होती है। एक दूसरी स्टडी जो राजस्थान में हुई थी उन्होंने ये देखा कि जब एक शेड्यूल कास्ट सरपंच इलेक्ट होता है तो पूरी कम्युनिटी को कई सारे फायदे होते हैं। अब इन सारी स्टडीज को आप देखोगे तो आपको शायद ये लगेगा कि रिजर्वेशन तो बहुत ही अच्छा पॉलिसी टूल है, उसकी वजह से इतनी सारी पॉजिटिव चेंजेस हो रही है, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रिजर्वेशन हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकती। जैसे उन सेम रिसर्चर ने बताया कि एक शेड्यूल कास्ट सरपंच के बनने के बावजूद जो डिफरेंट कम्युनिटी और कास्ट में रिलेशनशिप से वो इतने चेंज नहीं हुए गाँव में, और इसके हमने कई उदाहरण देखे हैं कि बस रिजर्वेशन से जो पूरा माहौल है सोसाइटी में वो जरूरी नहीं है कि वो बदल जाएगा। जैसे रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी हमने जहाँ एक शेड्यूल कास्ट की पंचायत प्रेसिडेंट को अपनी कास्ट की वजह से फिर भी जमीन पर बैठना पड़ा था तमिलनाडु। The woman panchayat leader there has not been allowed to sit on a chair. She was sitting on the floor and she's also elected, so she wasn't allowed to hoist the flag. और कई रिसर्चर्स ने इसके बारे में बात भी करी है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कोटास को इंक्लूड करके कोई गारंटी नहीं है कि मार्जिनल कम्युनिटीज को बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे एक रिसर्चर ने कहा कि एक पंचायत इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी लीडर को बहुत डिफरेंट सोशल ग्रुप से सपोर्ट चाहिए होता है, और इसी वजह से वो कई बार ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे जो बस उनके ग्रुप को ही मदद करेंगे। कास्ट रिजर्वेशन के इन सारे बेनिफिट्स के बावजूद भी दोस्तों आज के दिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा गैप है लोअर कास्ट और अपर कास्ट लोगों के बीच में। 2011 का डेटा हमें दिखाता है कि एक ब्राह्मण एडल्ट ऑन एवरेज 5.6 इयर्स ज्यादा एजुकेशन एक्वायर करता है ओवर द कोर्स ऑफ हिज लाइफ टाइम एज कंपेयर टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब एडल्ट।
ये मैप 1954 का है जो आपको दिखाता है कि लोग कास्ट के बेसिस पे कैसे रहते हैं देश में। 6 दशकों के बाद भी इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया है। ये टेबल आपको दिखाती है कंपैरिजन एवरेज इनकम, एसेट्स और एजुकेशन लेवल का अक्रॉस द डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, और बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि जो फॉरवर्ड कास्ट मेंबर्स हैं वो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन काफी आगे हैं हर एक एस्पेक्ट में। इस सारे डेटा से प्रूव हो जाता है कि सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन काफी नहीं है हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी यही कहना था उनकी किताब अनहाइलेशन ऑफ कास्ट में। ग्रेटर सोशल इंटीग्रेशन का सीधा सीधा मतलब है कि अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में, ना सिर्फ सेम सोसाइटीज में रहें बल्कि सिमिलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और इंटर मैरिजेस भी बढ़े कास्ट के बीच में। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था कि कैसे रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जहां पर उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिन टीम्स में अलग अलग कास्ट के लोग सेम टीम में हैं वहां पर प्लेयर्स के बीच में फ्रेंडशिप्स बढ़ती हैं, जो कि नहीं होगा अगर एक क्रिकेट टीम में सारे प्लेयर्स सिमिलर कास्ट से बिलोंग करते हो तो। एक्चुअली स्कूल्स वन ऑफ द बेस्ट सोशल सेटिंग्स हैं इस इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए। एक और रिसर्च एक्सपेरिमेंट जो कि दिल्ली के स्कूलों में कंडक्ट किया गया था उसने ये पाया कि जिन क्लासेस में गरीब और अमीर बच्चों को साथ में बिठाओगे वहां पर जो अमीर बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो कम भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कम रहेगा और वो गरीब बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। और ऐसे इंटरेक्शंस अगर स्कूल्स कॉलेजेस में ज्यादा होंगे तो अपने आप इंटरकास्ट मैरिजेस ज्यादा बढ़ने लगेंगी देश में, जिससे ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन कम होने लगेगा। एक और रिसर्च ने पाया था कि अगर औरतों को देश में आजादी दी जाए अपना हस्बैंड खुद चूज करने की शादी के वक्त, 20% केसेस में ऐसी शादियां इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, जबकि रियलिटी में अगर पूरे देश में हम आज देखेंगे तो सिर्फ 6% मैरिजेस इंटरकास्ट मैरिजेस हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन यहां पर दिख रहा है कि कैसे औरतों को चॉइस देना, वुमेन एम्पावरमेंट करना इंटरकास्ट मैरिजेस को भी बढ़ाता है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी इससे कम होता है। इसी रीजन से कुछ सरकारों ने इसे प्रमोट करने की भी कोशिश करी है, जैसे कि रिसेंटली ओडिशा सरकार ने एक स्कीम अनाउंस करी थी सोशल हार्मनी को इंसेंटिवाइज करने की। इन्होंने एक सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया था जिससे कि इंटरकास्ट मैरिजेस और बढ़ सकें स्टेट में। लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यहां पर पुलिस और जुडिशियरी को भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा कि वो स्विफ्ट एक्शन ले डिस्क्रिमिनेशन के केसेस में। द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1955 कोशिश करता है एससीज एसटी को प्रोटेक्ट करने की डिस्क्रिमिनेशन से, लेकिन जो एविडेंस आया है अभी तक वो सजेस्ट करता है कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही कम यूटिलाइज किए गए हैं, कन्विक्शन रेट बहुत लो है और बैकलॉग बहुत ज्यादा है इन सारे केसेस में। आंध्र प्रदेश में करीब 100 ऐसे रजिस्टर्ड केसेस की स्टडी करी गई थी 2002-03 में, जिसने पाया कि पुलिस अक्सर ऐसे केसेस को रजिस्टर ही नहीं करती है या फिर प्रेशराइज करती है लोअर कास्ट लोगों को कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लें और अक्यूज्ड यहां पर अरेस्ट नहीं होता। एक और अच्छा एग्जांपल सिस्टम को इंप्रूव करने का है कि ना सिर्फ सीटों में रिजर्वेशन दी जाए बल्कि फ्री कोचिंग भी ऑफर की जाए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। एक ऐसी ही स्कीम लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने 2016 में, जहां पर एससीज और ओबीसीज को फ्री कोचिंग दी जाती थी यूपीएससी, नीट और जेईई एग्जाम के लिए। रिपोर्ट किया गया कि 10% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जिन्होंने स्कीम के बेनिफिट को अवेल किया उन्होंने इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर लिया। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, सजेशंस हैं रिजर्वेशन सिस्टम को और इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और भी कम हो सके हमारे देश में और इक्वालिटी ज्यादा बढ़ सके। कुछ लोग यहां पर यह आर्ग्यू करेंगे कि रिजर्वेशंस एक्चुअली में इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम लोग जो हार्ड वर्क करते हैं इतना कोशिश करते हैं सीटें लाने की, हमारे लिए ऑप्शंस कम हो जाते हैं और वहां पर कोई अनडिजर्व आदमी हमारी सीट ले जाता है। मेरी राय में ये एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव है पूरी सिचुएशन को यहां पर देखने का, क्योंकि इमेजिन कीजिए आप यहां पर 100,000 लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं, एग्जाम लिखते हैं 100 सीटों के लिए, इन 100 सीटों में से 50 सीटें रिजर्व्ड है मान लीजिए। लेकिन जरा सोचकर देखिए, आप 100,000 लोगों में से अगर यहां कंपीट कर रहे हैं सिर्फ 100 सीटों के लिए, तो वैसे ही कितना मुश्किल है ये करना, और 100 की जगह अगर ये सीटें 50 हो जाती हैं तो क्या डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा कोई फर्क पड़ता है यहां पर? लेकिन एट द सेम टाइम इमेजिन करिए यहां पर 100 की जगह 1,000 सीटें होती जिस पर आप 100,000 लोग कंपीट कर रहे होते और फिर 50% रिजर्व होती, तो 500 सीटों के लिए यहां पर आप एग्जाम लिखते और वहां पर 50 सीटों के लिए लिख रहे थे। इस प्रॉब्लम के लिए यहां पर रिजर्वेशन को ब्लेम करना सही नहीं है, यहां पर एग्जाम अगर इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और सीटें इतनी कम है तो ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। सरकार को बोलिए कि यहां पर और यूनिवर्सिटीज बनाएं और स्कूल्स और कॉलेजेस बनाएं जिससे कि सीटें सबके लिए ज्यादा हो सके, या फिर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएं जिससे कि लोग और फील्ड तक जा सके और नौकरियां अवेलेबल हों।
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए और बनाते रहूं। और यहां पर मोहक के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोच बढ़िया चैनल है, एनालिटिकल वीडियोस बनाता है ऐसे ही इश्यूज पर। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।